हे गाइस, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हो सेट जो मैं एक अनबॉक्स। तो गाइस, आज रियलमी ने अपना रियलमी 9 लॉन्च कर दिया और गाइस काफ़ी अच्छे प्राइस पे कंपनी लॉन्च किया है और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। गाइस, ये जो मुझे लगता है रियलमी 8 का ही सक्सेसर होने वाला है, मतलब रियलमी 8 वाले ही फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी बढ़िया फ़ोन है गाइस। इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी डिटेल्स इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, इसके अंदर मिलती है 6.4 इंच एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 90Hz की डिस्प्ले है और गाइस सुपर एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी अच्छी थी, जैसे कि रियलमी 8 में थी वही डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है गाइस। काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मुझे देखने के लिए मिलती है क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी बढ़िया लगी इसकी डिस्प्ले। तो वही डिस्प्ले आपको इसमें देखने मिल जाती है जो कि 90Hz की है। इसके अंदर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 680 वाला प्रोसेसर, वो भी काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग करवाता है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, जैसे कि इसमें मिलता है आपको 3 कैमराज बैक साइड में, जिसमें से 108 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल इसका डेप्थ सेंसर कैमरा है। उसके साथ यहाँ पर बात करेंगे इसकी बैटरी की, तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33W को सपोर्ट करती है और काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है इसकी, क्योंकि रियलमी 8 की भी काफ़ी अच्छी लाइफ है। मुझे लगता है ये रियलमी 8 को ही इन्होंने अपडेट कर दिया है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है और काफ़ी अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन आपको इसमें देखने के लिए मिल रही है। सबसे अच्छी मुझे लगती है गाइस इसकी स्क्रीन जो कि काफ़ी बढ़िया स्क्रीन है, इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह है काफ़ी अच्छे व्यू एंगल्स हैं, आपको डिस्प्ले जो वीडियोज़ वगैरह देखते हो डिस्प्ले के अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी शार्पनेस है, कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। उसके साथ काफ़ी स्लिम फ़ोन भी यही है, 7.9 mm पर बना हुआ है और काफ़ी पतला फ़ोन है जैसे कि रियलमी 8 था। तो गाइस, मैं रियलमी 8 का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ अपना सेकेंडरी फ़ोन और मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। सबसे अच्छा मुझे लगता है इसका जो डिस्प्ले है गाइस, एक नंबर डिस्प्ले है और कैमरास तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है इंडोर के अंदर, लेकिन जो आउटडोर में आप फोटोज़ वगैरह इससे क्लिक करते हो तो काफ़ी बढ़िया आती है। तो अब इसके अंदर इन्होंने इसका जो कैमरा है वो भी अपडेट कर दिया है, वो भी 108 मेगापिक्सल का दे दिया है, पहले 64 का आता था। और यहाँ पर आप और भी चीज़ें देखोगे तो काफ़ी स्लिम बॉडी दे दी है फ़ोन की, जैसे कि मैंने बताया 7.9 mm पर बेस है ये, प्लास्टिक बॉडी मिलती है चारों तरफ से आपको, पीछे का जो पैनल है वो भी आपको ग्लास बॉडी नहीं है, फाइबर ग्लास बॉडी देखने के लिए मिल जाता है। सामने का जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का मिलता है, तो इंडोर के अंदर तो थोड़ा सा हार्शनेस ही आ जाती है, जैसे कि लाइट कम होती है तो कैमरे कहाँ से सही से पिक्चर क्लिक करेगा। अगर आपके पास लाइट अच्छी होती है ना गाइस, काफ़ी अच्छी खासी फोटोज आपको प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ पर इसके अंदर गाइस मिलता है आपको काफ़ी बढ़िया 100 nits की ब्राइटनेस जो कि काफ़ी बढ़िया बात हो गई है। इसके साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि रियलमी 8 में मिलता था, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है। तो गाइस, जैसे ही हमारे पास ये फ़ोन आएगा तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखा दूंगा। वैसे आप बिना डाउट के आप इसे परचेस कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया फ़ोन होने वाला है, 15-16 हज़ार रुपये के अंदर काफ़ी बढ़िया रेंज में कंपनी ने लॉन्च किया है इसको। जो रियलमी 8 था वो भी 14.5 हज़ार रुपये के रेंज में काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया था, 16-17 के करीबन हो गया था, लेकिन गाइस 16-17 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था मुझे लगता है। अगर इस वही 14-15 के रेंज में होता तो काफ़ी मज़ा आता फ़ोन को और भी परचेस करने में, लेकिन अब ये रियलमी 9 आ गया है तो ये भी काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, आप इसे भी ज़रूर परचेस करना। तो चलिए गाइस, ये था मेरा एक ओपिनियन रियलमी 9 के ऊपर। अगर गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।